ग्राफ के। ये ग्राफ में तुम्हें दिया गया है, किसका ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। आपको बताना है ए बी सी, इनमें आपसे कहा जा रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ सी। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करते वक्त हम क्या कहेंगे, सॉल्व करते वक्त हम कहेंगे किस पे स्लाइड करने में ज्यादा मजा आएगा, सॉरी बताना, बाकी लोग मत बताना। ए, तो स्लोप ए इज ग्रेटर देन स्लोप बी इज ग्रेटर देन स्लोप सी। और स्लोप होगा क्या, स्लोप हम देखते हैं, स्लोप जो देखेंगे एक्स टी ग्राफ का मीटर बाय सेकेंड, मतलब ये क्या देने वाला है, वी देने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। यहां पर क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, कंसेप्ट यूज हो रहा है स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज वी, या आप थोड़ा डिटेल लिखना चाहते हो तो यहां से लिख दो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो क्या ये आइडिया क्लियर है? यस सर। और आपसे यदि कोई कह दे एक्सलेशन के बारे में बताओ, तो एक्सलेशन के बारे में क्या लिखेंगे, सिंस स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉन्स्टेंट, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉन्स्टेंट, इसलिए वी ए कॉन्स्टेंट। एक्सलेशन ए कितना हो गया, जीरो। अभी जो मैं लिख रहा हूं ना मेघा, उसे नोट करो कॉपी पे और उन्हें समझने की कोशिश करो, और उसके बाद फिर जो तुम्हारे डाउट्स होंगे उसे भी मैं टेकअप कर लूंगा। वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एक्सलेशन ए जीरो। मेरा आप बताओ जो बी का एक्सलेशन क्या होगा, बी वाले ग्राफ जो है एक्स टी ग्राफ में बी ऑब्जेक्ट जो है उसका ग्राफ देखो चित्र में और मुझे बताओ एक्सलेशन कितना होना चाहिए बी वाले ग्राफ में। सर मोर देन सी। और देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, पहले मुझे ये बताओ b का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है या बदल रहा है, कांस्टेंट है या बदल रहा है। तो b का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, स्ट्रेट। तो क्या कंसेप्ट बताया, ध्यान से देखो तो उसे सुनो, कॉपी पे नोट भी करो और समझो भी कंसेप्ट, कंसेप्ट को तो ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। तो स्लोप जो होता है कांस्टेंट, और स्लोप है क्या, तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप तो भी वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो देख रहे हैं आप, जैसे ए का देखा आपने, तो ए का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने के कारण एक्स टी ग्राफ ऑफ ए इज स्ट्रेट लाइन, सिंस एक्स टी ग्राफ ऑफ ए इज स्ट्रेट लाइन। यहां देखो स्ट्रेट लाइन, इसलिए क्या कह दोगे, इसलिए वी ए ये जो स्लोप हो गया, तो या यूं कह लो जो स्लोप हो गया, स्लोप हो जाएगा वो जो वी ए है यहां पर, और वो क्या हो गया कांस्टेंट, इससे एक्सलेशन जो ए का होगा जब स्पीड बदल ही नहीं रहा वो क्या हो गया, जीरो।
तो आप क्या कह दोगे? सिमिलरली वीबी भी जीरो हो जाएगा, एबी भी जीरो हो जाएगा वीबी कांस्टेंट होने से, एंड एसी भी जीरो हो जाएगा। क्या ये बात सबके समझ में आई? सॉरी, आपके समझ में आया? यस सर। मुझे बताओ एबीसी में किसका एक्सलेशन ज्यादा है? सर तीनों का सेम है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया जवाब। सॉरी मेधा, आप बताओ एबीसी में किसका स्लोप ज्यादा है, सबसे ज्यादा? सर जी हाँ, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता क्या है, एक्सलेशन या वेलोसिटी? सर वेलोसिटी। परफेक्ट, तो हम क्या कहेंगे का ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ए का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, स्लोप यहाँ वेलोसिटी देता है, तो ए का वेलोसिटी कांस्टेंट है, बी का भी वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाएगा और सी का भी वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाएगा। किसका वेलोसिटी ज्यादा है? जिसका स्लोप ज्यादा है। तो क्या ये ब्लू कलर में लिखा गया आंसर समझ में आ गया कि किसका रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन वी ए वीबी वी सी, तो उसका आंसर समझ में आ गया है ये? यस सर। चलिए अगला ग्राफ देखिए, ये दो ग्राफ है ए और बी के, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। आपको बताना है ए और एक्सलेशन किसका ज्यादा होगा किसका कम। फाइंड रिलेशन बिटवीन, कॉपी पे नोट करिए, एक्सलेशन ऑफ ए एंड ए बी, एक्सलेशन ऑफ ए और एक्सलेशन ऑफ बी में रिलेशन चाहिए। सॉल्व करते वक्त हम क्या लिखेंगे, सॉल्व करते वक्त हमें क्या लिखना चाहिए? स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज एक्सलेशन या गिव्स एक्सलेशन। ये याद रखना पड़ेगा, स्लोप जब भी कहेंगे ना तो वाई बाई एक्स सोचा करो, वाई पे कौन है यूनिट, मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड, तो ये क्या हो गया मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या होता है एक्सलेशन। स्लोप कहते ही ये ऐसे दिमाग में एनालिसिस किया गया, हमेशा स्लोप में वाई बाई एक्स, वाई पे जो भी डाटा है और एक्स पे उनके यूनिट को डिवाइड कर दो। सर ये इक्वल टू क्यों लिख रहे हो, तो तीन लाइन कर देता, इक्वल टू मतलब मीनिंग सेम है उनके, लेकिन वो बराबर हैं कहना ठीक नहीं होगा। अब यहां चेक करिए, सिंस स्लोप ए इज ग्रेटर देन स्लोप बी, एक्सलेशन ए ग्रेटर देन एक्सलेशन बी, ये चेंज करूं मैं, ये लिख लिया, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। सॉरी आपके समझ में आ गया? यस सर। अच्छा यहां एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपके सामने ऐसे ग्राफ आया, ये एक्स टी ग्राफ है, एक्सलेशन के बारे में आपको कमेंट करना है, ये वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है, ध्यान दीजिए ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस ये ए ये बी ये सी, सिंस स्लोप ए
is less than slope B is less than slope C. इसका मतलब VA is less than VB is less than VC. इसका मतलब velocity increasing. इसलिए हम कहेंगे इसलिए acceleration जो होगा नॉन जीरो, हेंस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है. क्या ये बातें इस ग्राफ को देख के समझ में आना शुरू हो जाएगा? है ग्राफ एक्स टी और मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, किस कॉन्फिडेंस पे? तो चूंकि भी बढ़ रहा था तो भी बढ़ रहा था तो हम क्या कहेंगे? भी बढ़ रहा था तो हम कहेंगे निश्चित रूप से गाड़ी के एक्सेलेरेटर को पैर से दबाया गया होगा, तभी तो एक्सेलेरेशन होगा. और यदि एक्सेलेरेशन होगा उस एक्सेलेरेशन के लिए हमने क्या बात की, एक्सेलेरेशन जीरो तो नहीं हो सकता, एक्सेलेरेशन होगा. और चूंकि वेलोसिटी बढ़ता गया ए से ज्यादा बी पे टाइम बढ़ने के साथ, बी से ज्यादा सी पे, तो इसलिए हम कहेंगे मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है. मेधा ये आ गया आपके? यस. सॉरी प्रणय, आप लोग समझ गए? यस सर. यस सर. सॉरी, कोई डाउट आ रहा हो मन में तो पूछो आराम से, घबराना नहीं है. नो सर. बहुत बढ़िया, आप फ्रेंडली वे में पूछ सकते हो, सर ये नहीं आया वो नहीं आया समझ में, तो मैं भी कोशिश करूंगा साथ में आपके, ठीक ना? तो फिर एक पक्का समझ में आ जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे. अच्छा चलना, आराम से सोचिएगा आप लोग, जल्दबाजी मत करिएगा. ये ए, ये बी और ये सी, आप सोचिएगा और फिर मुझे बताइए. क्या स्लाइड करने में थ्रिल, मजा, अचानक जो बैठ के स्लाइड करते हुए थ्रिल फील करते हैं, किस पॉइंट पे बैठने पे ज्यादा थ्रिल आएगा, सी पे या ए पे? ए सर. हाँ, तो यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकते हैं? एक्सेलेरेशन के बारे में कहा गया, कमेंट करिए. अब एक्सेलेरेशन के बारे में कमेंट कैसे करूं? तो ऐसे सोचना शुरू करते हैं, कैसे? एक्स टी ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ए कर्व, हेंस इट्स स्लोप is varying, hence v is varying hence its slope is varying hence v is varying hence एक्सेलेरेशन नॉन जीरो. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे सोचते हैं. स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट सी, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी सी. अब इससे क्या हो गया, वेलोसिटी देख रहे हैं क्या, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, हेंस मोशन इज रिटार्डेड मोशन, वेलोसिटी कम होते जा रहा है.
इस मोशन को क्या कहेंगे, एक्सीलरेटेड या रिटार्डेड? बताइए क्या कहना ठीक रहेगा? रिटार्डेड। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि रिटार्डेड कहना ठीक रहेगा? क्योंकि स्पीड कम हो रहा है तभी हम इस रिटार्डेड मोशन यूज करते हैं। एक पॉइंट और यहाँ है इंटरेस्टिंग, एक पॉइंट और दिखता है जो बहुत बढ़िया है, आप इसको ऐसे फील करिए। ये पहला एनालिसिस पॉइंट का, ये दूसरा एनालिसिस हो गया पॉइंट, और एक तीसरा एनालिसिस करते हैं यहां पर। आप चेक करिए इस एनालिसिस को। सिंस फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी एक्स इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, हेंस पार्ट के इज मूविंग टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस, हेंस वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मोशन इज रिटार्डेड, हेंस एक्सलेशन विल बी निगेटिव। मतलब चूंकि पार्टिकल में के टाइम बढ़ने के साथ एक्स बढ़ता गया। सर वो कैसे दिखता है आपको? देखो ए वाले पे पोजीशन एक्स ए, टाइम ए पे पोजीशन एक्स ए, टाइम बी बढ़ गया पोजीशन भी बढ़ गया एक्स बी, टाइम सी पोजीशन बढ़ करके देखो कहाँ चला आया एक्स सी। तो हम क्या कहने वाले हैं कि पार्टिकल किधर जा रहा होगा? निश्चित रूप से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तभी तो इस बढ़ता जा रहा है पोजीशन। और एक्सलेशन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हम कहेंगे नेगेटिव। और वह क्यों? क्योंकि रिटार्डेड मोशन है, स्पीड कम कब होगा? तो ऑब्जेक्ट जा रहा हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और कोई उसको पीछे की तरफ धकेलने लगे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो स्पीड क्या होता जाएगा? तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ये तीनों पॉइंट की एनालिसिस क्लियर है? यस सर। यस सर। ये ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, ये इस ग्राफ को देखिए, और इस ग्राफ में क्या क्या हम पॉइंट सोचेंगे? पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स टी ग्राफ है, एक्स इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। दूसरा पॉइंट दिखा सर, कैसे आप कह रहे हो? देखो
टी वन टाइम पे ये एक्स वन, टी टू टाइम पे ये एक्स टू, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल किधर से किधर चला आया, एक्स वन से एक्स टू पे ओरिजिन की तरफ, एक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम, हेंस पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। चौथा, एक्स टी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। एक्स टी ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एक्स टी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो पांचवा पॉइंट आ गया, हेंस स्लोप वी विल बी कॉन्स्टेंट। छठा पॉइंट आ गया, सिंस स्पीड कॉन्स्टेंट या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, हेंस मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। आपको ये सारी बातें ग्राफ पर करके दिखनी चाहिए। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि पार्टिकल किधर जा रहा है, स्लोप स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट या नहीं। और ध्यान से सोचना, पार्टिकल चूंकि ओरिजिन की तरफ जा रहा है तो उसको उसके वेलोसिटी को कई बार हम लोग निगेटिव कह देते हैं। क्यों? क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये क्लास इलेवेंथ में, नाइन्थ में तो कुछ भी कर लो। नाइन्थ में केवल ये समझ में आना चाहिए कि स्पीड कांस्टेंट होगा, एक्सलेशन जीरो होगा, उतने से भी काम चल जाएगा। और ये सारी बातें दिखे तो बड़ी खुशी की बात है। क्या ये पॉइंट नोट कर लिया आपने, समझ में आ गया? यस सर। यहां अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे स्लोप की, इसमें और देखिए तो ये ए वाला कर्व है और ये बी वाला। फाइंड रिलेशन बिटवीन वी ए, ए ब्लॉक का वेलोसिटी और वी बी। तो मुझे बताइए किस पे स्लाइड करने में ज्यादा मजा आने वाला है, किस पे थ्रिल ज्यादा आएगा, थ्रिल किस पे ज्यादा होगा? बैठ के शुरू करें तो सॉल्व करते वक्त हम क्या लिखेंगे, सिंस स्लोप ए इज ग्रेटर देन स्लोप बी, और ये दो लाइन खींचते हैं ये बताने के लिए कि मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, स्पीड ए इज ग्रेटर देन स्पीड बी, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। अच्छा, आप लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट है ना, तो मुझे ये बताइए, तो कोई आपसे ये कहता है प्लस 10 न्यूटन फोर्स और माइनस 10 न्यूटन फोर्स, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा? प्लस न्यूटन। अच्छा मुझे ये बताइए, फोर्स के लिए उसका डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना? तो ये इधर आप 10 न्यूटन लगा करके खींचें ब्लॉक को, या 10 न्यूटन इधर लगा करके खींचें,
तो इससे कोई अंतर दिख रहा है क्या, या दोनों एक जैसा है, दोनों का इफेक्ट एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? तो इफेक्ट तो एक ही जैसा होगा। तो प्लस और माइनस फोर्स में क्या करने के लिए आता है, वो ये बताने के लिए आता है, यदि मैंने एक्स एक्सिस कहा है तो जो फोर्स है वो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के बेसिस पे वहां प्लस माइनस हम यूज करते हैं। ये कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है कि गिनती में मैथ्स में सिखाया गया माइनस टेन छोटा होता है प्लस टेन से। ये काम स्केलर में आप करते हैं। वेक्टर का प्लस और माइनस जो होता है वो केवल डायरेक्शन बताने के लिए आता है। इसीलिए आप कहेंगे कि प्लस टेन न्यूटन और माइनस टेन न्यूटन दोनों एक जैसे हैं मैग्नेट्यूड वाइज, केवल उनके डायरेक्शन में अंतर है। एक पूरब की तरफ होगा तो दूसरा पश्चिम की तरफ, एक ईस्ट की तरफ होगा तो दूसरा वेस्ट की तरफ, इतना सा अंतर है, लेकिन दोनों का अमाउंट सेम ही कहलाएगा। ये बड़ा है माइनस प्लस टेन, क्योंकि प्लस है तो ये कहना बेवकूफी होगा। कहे का बड़ा, पॉजिटिव डायरेक्शन लग रहा है तो बड़ा हो गया और नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो छोटा हो गया, ऐसे थोड़े ना होता है। मतलब वो केवल प्लस माइनस वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बताने के लिए आते हैं। चलिए आप मुझे ये बताइए कि ये ग्राफ है आपके सामने VT का, ये एक P और ये एक Q, बताइए तो कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और कौन सा कम? तो स्लोप किसका ज्यादा दिख रहा है? P का, दो लाइन नेगेटिव पॉजिटिव से बचने के लिए, और ये Q से P का ज्यादा है क्योंकि P पे बैठ के थ्रिल ज्यादा आएगा, Q पे बैठ के थ्रिल कम आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये XT ग्राफ का स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम क्या कह देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ P इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ Q मैग्नेट्यूड वाइज। Acceleration of P is greater than acceleration of Q. सर हाँ बताइए। सर बट एंगल तो Q ज्यादा बना रहा है। जब आप लिखेंगे ना स्लोप तो आपको मैं एक टेबल याद करवा दूं तो आपका काम आसान हो जाएगा। 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, 120, 135 degree, 135 और 150, 180। ध्यान से देखना, 10 थीटा का वैल्यू लिख रहे हैं और थीटा क्या है वो आपके सामने है। 10 जीरो हो जाता है जीरो, 1030 1 by root 3, 1045 1, root 3, infinite, minus root 3, minus 1, minus 1 by root 3, 0. अब बताओ, ये 100, आप जब पिछले वाले चित्र में आएंगे, आपको यदि यहां दिख रहा है 135 डिग्री या 150 डिग्री मान लेते हैं, और यहां दिख रहा है आपके पास 135 डिग्री, किसका वैल्यू ज्यादा होगा ये सोच के बताना। तो 145 वाला, 150 वाला है ये 1/√3 माइनस के साथ, और 135 वाला है तो -1। तो बड़ा कौन है, ये माइनस वन को माइनस वन बाय वन लिखते हैं, इसका जब मैग्नेट्यूड लेंगे, मैंने दो लाइन इसीलिए खींचे, तो कौन बड़ा दिख रहा है,
1/1, 1/√3, इनमें कौन बड़ा दिख रहा है? तो 1 दिख रहा है बड़ा या 1/√3 दिख रहा है बड़ा? 1/1, 1 बड़ा दिख रहा है। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू छोटा हो जाता है। तो आप मुझे बताइए किसका स्लोप मैग्नेट्यूड वाइज, किसका माइनस को भूल जाओ क्योंकि वेलोसिटी में माइनस केवल डायरेक्शन के लिए होगा, तो किसका ज्यादा दिखेगा मैग्नेट्यूड वाइज स्लोप? तो जिसका एंगल 90 के नजदीक होगा वो बड़ा दिखेगा। 90 के नजदीक जो होगा, चाहे 90 के नजदीक इधर 80 हो सकता है या 90 के नजदीक 110 हो सकता है, 90 के नजदीक 60-70 डिग्री हो सकता है, 90 के नजदीक 120 डिग्री हो सकता है, 90 के नजदीक इधर 60 डिग्री हो सकता है, 90 के नजदीक उधर 120-30 डिग्री हो सकता है ऐसे, या 150 डिग्री हो सकता है। मतलब आप 90 के 90 डिग्री के नजदीक जो होगा ना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा कहलाएगा। तो आप ऐसा करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप तो मैथमेटिक्स में ना तो टेन थीटा आप जानते हैं और ना ही आपके पास ज्यादा उसके डिटेल है। तो आप क्या करते हैं, जो मैंने बताया तरीका कि थ्रिल किस में ज्यादा होगा, किस पे स्लाइड करते वक्त थ्रिल ज्यादा होगा, पी वाले लाइन पे या क्यू वाले लाइन पे? सोचो ना, क्यू से भी ज्यादा थ्रिल आता यदि आपने देखा क्यू वाला लाइन, आपने देखा मान लो पी वाला लाइन, और इससे भी ज्यादा यदि ये कर दो आर वाला लाइन बना दो, देखो इस पे थ्रिल होगा। 90 के नजदीक और चले आओ एस वाला, इस पे जो थ्रिल होगा, सोचो ना सबसे ज्यादा थ्रिल किस पे होगा? तो इसे फील करो, इसमें तुम्हें 10 थीटा में नहीं उलझना है। जो 10 थीटा जानते हैं उस बच्चे को भी मैं कहता हूँ फिजिक्स पढ़ते वक्त 10 थीटा में मत उलझो, बेवकूफ को क्यों उलझते हो? जो बचपन में पहली बार स्लोप बताया गया उस समय तो 10 थीटा नहीं जानते थे, तो अब जान के क्या करो? तो आप क्या करो, थ्रिल लो, मजे लो, स्लाइड करके देखो। ये बात समझ में आई? यस सर। तो आप बेकार में एंगल में ना उलझे। मैं 11th वाले बच्चों को भी कहता हूँ, बहुत मैथमेटिक्स आता है इसीलिए मैं एंगल लगाऊंगा तो करे हो, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे। बचपन में पहली बार जब बताया गया था आपको एंगल नहीं जानते थे, और बचपन से जानते हैं स्लो, तो आंखों से देख के फील आता है, तो मजे क्यों नहीं ले रहे हो, उससे क्यों नहीं बना रहे हो कुछ? मैं ये कहता हूं। तो स्लोप का ये आइडिया जो है मैं मान के चलता हूं आप थोड़ा बहुत समझ गए हैं।